श्रीलंका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मुकाबले में कुलदीप यादव और केएल राहुल का आया तूफान। 99% हारा हुआ मैच केएल राहुल ने आखिरी ओवर में ऐसे पलटा जीत में। जी हां दोस्तों, कैसा रहा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले का हाल, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन आप भी कुलदीप यादव और केएल राहुल के इस प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच आज सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि श्रीलंका की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। श्रीलंका को पहला ही झटका मोहम्मद सिराज ने दिया, जिन्होंने अविष्का फर्नांडो को 20 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद नुवांदु फर्नांडो भी 50 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद कुशल मेंडिस भी 34 रन बनाकर चलते बने, जो कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद धनंजय डिसिल्वा को अक्षर पटेल ने बिना खाता खोले बोल्ड कर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। चरित असलंका 15 रन बनाकर आउट हुए। इसी बीच नुवांदु फर्नांडो ने 50 रन बनाए और वो आउट हो गए। आपको बता दें कि निचले क्रम में दुनित वेलालेज ने 34 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। वही करुणारत्ने 17 जबकि रजिता 17 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम की सदी हुई गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम 39.4 ओवर में 215 रन बनाकर ढेर हो गई और भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 216 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम की ओर से मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 3-3 सफलता मिली, जबकि उमरान मलिक 2 विकेट चटकाने में सफल हो पाए। वहीं अक्षर पटेल के खाते में 1 सफलता गई। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा और सुमन गिल की सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा 17 रन के स्कोर पर आउट हुए तो वहीं सुमन गिल भी 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि टीम इंडिया के दोनों ओपनर 41 रनों तक पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली भी महज 4 रन बना सके और वो बोल्ड हो गए। इसके अलावा निचले क्रम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। हालांकि श्रेयस अय्यर भी 28 रन बनाकर LBW आउट हुए तो वहीं हार्दिक पांड्या भी 36 रन बनाकर चलते बने। एक तरफ जहां लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल ने शानदार पारी खेली और उन्होंने 64 रनों की नाबाद पारी खेल टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिलाई। भारतीय टीम ने इस दूसरे वनडे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।